हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने नेगेटिव फीडबैक किस तरह रिमूव करना है। सो पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मेरा फाइवर और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जनवरी 16 और आज का दिन और 2:21 पे मुझे मैसेज आया। और ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ना लगे कि ये कोई प्लांटेड फीडबैक था। और उसके बाद मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये इस बंदे का ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सेलर नेम, स्टोर। मैं ये हाइड कर दूंगा बिकॉज़ ये एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद मेरे पास ये बायर का लिंक है और यहाँ अगर आप आए तो ये आइटम था। और देख सकते हैं आप बायर की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, बट प्लीज़ इसे मिसयूज़ मत कीजिएगा। और इसके बाद ये है, आई नीड माई मनी बैक, द पार्ट इज नॉट फिट। तो इसके बाद मैं इस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करूंगा। तो चलें कॉल पे चलते हैं। जब आपकी कॉल मिल जाए ना तो आपने बस 0 प्रेस करते रहना है जब तक आपकी कॉल उसके रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिल जाती। प्रेस करते रहें 0। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड माय नेम इज डोनेटस ग्वीगा। ओके, या आई हैव अ सेलर अकाउंट एंड द प्रॉब्लम इज दैट द बायर हैज एक्चुअली लेफ्ट मी अ नेगेटिव रिव्यू ऑन माई अकाउंट एंड ही इज एक्चुअली थ्रेटनिंग मी टू पे द $80 फॉर द रिटर्न एंड ही एक्चुअली बॉट अ रॉन्ग आइटम एंड इट वॉज नॉट कंपैटिबल विद हिज कार एंड नाउ ही इज एक्चुअली थ्रेटनिंग मी टू पे द $80 एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद माई फोन नंबर। या बिकॉज द बायर इज एक्चुअली थ्रेटनिंग मी फॉर दैट एंड ही इज एक्चुअली लाइंग। द थिंग हैपेंड इज दैट द बायर हैज एक्चुअली बॉट द रॉन्ग आइटम। इफ यू गो इन टू माई लिस्टिंग एंड इफ यू गो इन टू द आइटम स्पेसिफिक्स यू कैन सी दैट आई हैव लाइक रिटन दैट इट इज कंपैटिबल विद 61 व्हीकल्स बट आई हैव मेंशन द ईयर, मेक, मॉडल, ट्रिम, इंजन, एवरीथिंग इज इन देयर। ही एक्चुअली मैसेज मी दैट एट फर्स्ट ही सेड दैट द आइटम डजेंट फिट एंड वन आई रीच्ड आउट हिम दैट वाई ही इज एक्चुअली लेफ्ट मी अ नेगेटिव फीडबैक ही सेड दैट ही डिड लाइक द आइटम विच आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड ही वॉज एक्चुअली लाइंग एंड देन ही सेड दैट टू रिटर्न बैक द आइटम एंड ही सेड दैट ही डजेंट वॉन्ट टू पे द $80 फॉर द रिटर्न एंड ही लेफ्ट मी अ नेगेटिव फीडबैक फॉर अ रीजन सो आई कैन एक्सेप्ट हिज ऑफर ऑफ द ऑफ अ फ्री रिटर्न। सो दिस इज वाई आई एम कॉलिंग टूडे। Fitting the that he have in himself. So for this kind of issues to done a task, this needs to be handled by our resolution team. So right now, let me go ahead and talk to them, and then I'll connect you right away. Okay? Because Okay, they will be the one to assist you. okay, I want you to please explain everything to them, okay? Yeah, sure. Yeah, Just stand thank standby, you so okay? much. Yeah, thank you. तो अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो तब भी गुजारा हो सकता है, बट आप इतना अच्छा कन्विंस नहीं कर सकेंगे। कहीं पे आपको बात करनी पड़ती है और उनको समझाना पड़ता है कि आप राइट पे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो, Yes, I'm Donatas. I have your Lenny from our resolution team, and she will be the one who will further explain and assist you with this. Okay? Okay, no problem. Thank you so much. Hello, Miss Donatas. This is Lenny from the Appeals Department. How are you today? I'm doing great. So what about you? I'm pretty busy, sir. Thanks for asking. All right, so you were transferred to us because of the negative feedback you got. Oh yeah, I'm very Is this disappointed. for the Dodge Yeah. Challenger vendor? Yeah, I'm very disappointed with the act of one buyer and he is actually bought a wrong item. As you go through to my listing, I have mentioned that my part is compatible with the 61 vehicles and at first he came to the messages and he said that he actually the item doesn't fit and then he changed his statement and he said that he doesn't like the item and when I asked him to return the item he went on and leave me a negative feedback and then he said that he is not going to pay for the return because it will gonna charge him $80 and he said that I should refer him something like a free service to return the item and I also asked him to actually explain the reason of a negative feedback and he actually
bought a wrong item for his car, and now he's accusing me to pay the money for the return as well. So this is very wrong. So I want eBay to please look on this. You receive a negative feedback from your buyer. Yeah. All right, let me look into this, and I'll place you on a brief hold for less than 2 minutes. I Okay. appreciate the overview you gave me here. At least I have a better understanding of the No situation. problem, So ma'am. Thank you so much. Take I'll your time. okay, I'll get back to you sometime. Say थैंक bye. यू. सो मुझे लगता है ये नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाएगा बिकॉज मैंने वन साइडेड बात की है, बिल्कुल वन साइडेड. एज अ एडवोकेट आपने वकील की तरह बात करनी है कि जो आपका सेलर है वो 100% ठीक है, तो आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाएगा. For patiently waiting, sir. Hello, yep, ma'am. Okay, so I just came back to let you know that I'm not yet done. I'm still working on this. I'm trying to look for a way to help you remove the feedback, okay? So I will be extending another 2 minutes of your time. Is that No okay? problem. Take your time. Take your time. No problem. Yeah, okay. Oh. So चल रही है कॉल, लेट्स सी क्या होता है. आज हम $50 कमाते हैं या नहीं कमाते. लेकिन मोस्ट प्रॉबली लग तो ऐसे ही रहा है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो रिमूव हो जाएगा. लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक का अगर रिटर्न केस ओपन है तो चांसेस हमेशा कम हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न केस भी है उसमें भी मैंने एक कहानी डाली हुई है कि जो बायर है वो मुझे थ्रेटन कर रहा है, जबकि वो थ्रेटन कर नहीं रहा होता. वो बस उसने एक दो बातें उससे ऐसी कहलवानी होती हैं कि वो आपके हक में चली जाएं. मैं आपको मिसाल एक देता हूँ जल्दी से कि एक एक जगह पे मेरे बायर की गलती थी, उसने ऑर्डर कैंसिल किया था, तो उसको एक आंटी ने गाली दे दी थी छोटी सी, तो उस पे हमने वो नेगेटिव फीडबैक जो था ना वो रिमूव करवा दिया था कि ये मुझे गालियाँ दे रही है प्राइवेट मैसेज के अंदर. तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने ऑर्डर कैंसिल किया है. तो केस आपने बनाना होता है और आप कैसा केस रिप्रेजेंट करते हैं इट डज मैटर. अगर आप स्ट्रॉन्ग केस लेके जा रहे हैं तो आप हम ऑब्वियसली आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाएगा. और अगर आप लूज बातें करेंगे तो ऑब्वियसली आप वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं करवा सकेंगे. तो ये चलता है. हाँ, ओके, हेलो. Okay, sir. So after reviewing the case further, I mean the negative feedback, I will be able to. I have a good news for you that I will be able to support removing the negative feedback on your account. All you need to do is to refresh your page after 15 to 30 minutes, and you can kiss this feedback goodbye. Okay? Okay, ma'am, thank you so much. You have made my day. Thank you so much. Not a problem, sir. You don't deserve this feedback at all, so please kiss this feedback goodbye within 30 minutes, okay? Okay. Thank you for your time and enjoy the rest of You your too. day. Have a Bye. great day. Goodbye. सो मैंने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा लिया. अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखें, ये माइक्रोफोन जो मुझे यूज़ करना पड़ा है क्योंकि मैं अपना मोबाइल यहाँ यूज़ कर रहा था. बायर का अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक्चुअली वीडियो में कि ये क्या था और मैंने ये केस कैसे बनाया और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया. सो थैंक यू सो मच, आई हैव अर्न $50. गुड बाय. मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा. इसकी 100% रेटिंग है और ये आप देख सकते हैं सब रिमूव हो गया यहाँ से. मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है. ये जो क्लाइंट्स हैं मेरे, ये मेरे रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मुझे ज़रूरत भी नहीं है
फाइवर के अलावा और कस्टमर्स की, क्योंकि मैं एक या दो कस्टमर्स जिनके अकाउंट और जिनके अकाउंट बहुत बड़े हैं और जिनकी सेलर हिस्ट्री बहुत बड़ी है और वो रोज 50-100 आइटम्स बेच रहे हैं, तो उनके एक या दो नेगेटिव फीडबैक्स हर एक दो दिन बाद होते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इनकी रेटिंग्स को 100% रखना है, एंड दे आर पेइंग मी $50 फॉर ईच नेगेटिव फीडबैक। और अगर आप मोरक्को के लोगों से या दूसरी कंट्रीज के लोगों से, इंडियन से काम करेंगे, वो आपको $20 देंगे, $30 देंगे। आप काम करें अच्छे लोगों से, सेलेक्टेड लोगों से काम करें, अपने गिग बनाएं, और ये जूम सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमने गिग कैसे बनाना है और ये सब कुछ कैसे करना है। ये सिर्फ एक वीडियो है जिसमें आप, ये सनी भाई की एक इंस्ट्रक्टेड वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ उनके कहने पे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये आप एक्सपेरिमेंट करो और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली रिमूव द नेगेटिव फीडबैक, एंड इसके बाद इंशाल्लाह जूम के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।